हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सफ़ेद बालों को काला करने का एक बहुत ही शानदार और चमत्कारी उपाय। दोस्तों, हर किसी को बाल काले ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जब यह बिना बुढ़ापे के ही सफ़ेद होने लगे तो दिल घबरा सा जाता है। पर आपको जानना होगा कि बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं, वो भी तब जब हमारे खेलने खाने की उम्र होती है। जब बालों में मेलेनिन पिगमेंटेशन की कमी हो जाती है तब बाल अपना काला रंग खो देते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। हालांकि सफ़ेद बालों का आजकल हो जाना बहुत आम सी बात हो गई है, इसलिए इसके लिए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। आज हम आपको एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताएंगे जिसे आजमा कर, जिसे इस्तेमाल करके आप सफ़ेद हो रहे बालों को फिर से काला बना सकते हैं, और इस नुस्खे के बाद फिर से आपके बाल काले होने शुरू हो जाएंगे और आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, नुस्खा बनाना बहुत आसान है, आप इसे घर पर बना सकते हैं। आपको इसके लिए चाहिए नारियल का तेल, कड़ी पत्ता और आंवला, ये तीन चीज़ें आपको चाहिए। अब देखते हैं इसको बनाने की विधि। दोस्तों, आपको 100 ग्राम करीब नारियल का तेल लेना है और उसमें 50 ग्राम कड़ी पत्ता और 50 ग्राम ताजे आंवले। दोस्तों, आंवले का बीज निकाल दें और आंवले को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, और इसी तरह कड़ी पत्ते को भी साफ़ करके धो के उनको भी छोटे छोटे टुकड़े करके काट के आप नारियल के तेल में डालकर इसको धीरे धीरे धीमी आंच पर गर्म करें, और गर्म होते होते जब ये कड़ी पत्ता और आंवले के छोटे छोटे टुकड़े इसमें जल जाएं, तब आप इसको उतार लें स्टोव से और इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद आप इस तेल को छान लें। छानने के बाद ये आपका नुस्खा तैयार है। ये तेल आपका इतना गजब का तेल है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जैसे नेचुरल ब्लैक होते हैं वैसे ही हो जाएंगे। इसको तेल को आप किसी भी कांच की साफ बोतल में भरकर रख लें, और ये आप अच्छा होगा कि आप रात को सोते समय हर रोज थोड़ा सा तेल लें और उसको बालों की जड़ों में अच्छे से मसाज करें, और अगले दिन शैम्पू से अपने बालों को धो लें। यदि आप रोज ना लगा सकें किसी वजह से, और यदि आपको अगले दिन नहाने में या शैम्पू करने में मुश्किल है, तो आप इसको हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन भी लगा सकते हैं। लेकिन याद रखें कि जितना इसका इस्तेमाल करेंगे उतनी ही जल्दी आपको फ़ायदा होगा। और यदि नुकसान की हम बात करें तो इस तेल से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये आयुर्वेदिक तेल जब आप इसको घर में बना लेंगे, दोस्तों इसमें कोई केमिकल तो है नहीं, इसलिए इसका कोई नुकसान आपको होगा ही नहीं। इस तेल की आप रेगुलर बालों की जड़ों में मालिश करते रहें और अपने बालों को नेचुरल तरीके से ही काला बना लें। दोस्तों, पहले हफ्ते में ही इसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और यकीनन 1 महीना यदि आपने इस्तेमाल किया तो आपके बाल फिर से नेचुरल जैसे ब्लैक हो जाएंगे और आपकी समस्या ख़त्म हो जाएगी हमेशा के लिए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा ये वीडियो और बताया गया नुस्खा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।